दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में, स्टेशन एंड प्लेसेस गोला गोकरनाथ से। दोस्तों, पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये रेलवे स्टेशन की तरफ रूट जा रहा है और जो मैं इस समय खड़ा हूँ वो लखीमपुर की साइड में रूट जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये अलीगंज की जो क्रॉसिंग है, अलीगंज की तरफ रोड जा रहा है, मैं वहां पे खड़ा हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ क्रॉसिंग का। और साथ में जो लखीमपुर रोड पर गोला में ही क्रॉसिंग बनी है वहां पे भी व्यू दिखाऊंगा आपको। और साथ में जो फरधान रेलवे क्रॉसिंग है वहां का भी व्यू आपको दिखाऊंगा। इस स्टेशन पे कितना काम हुआ है पिछले एक महीने में वो भी आपको सब बताऊंगा दोस्तों। स्टेशन पे चल के पिछली बार मैंने जैसा कि आप लोगों को ओवरऑल व्यू दिखाया था, इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा ही वीडियो हो, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को क्रॉसिंग का व्यू दिखाता हूं जो यहां पर मेरे पीछे बनी हुई है और कौन सी रोड किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। तो दोस्तों, बने रहिएगा। ये कि अलीगंज की तरफ रोड जा रही है और ये लखीमपुर की तरफ रोड, और ये देखिए लखीमपुर की तरफ रोड गोला शहर की तरफ, काफी जाम है देख सकते हैं दोस्तों। अभी बैरियर नहीं लगाया गया है और ना ही केबिन बना है। और ठीक इसी तरह का नजारा लखीमपुर रोड पर जो क्रॉसिंग बनी है गोला में, वहां भी अभी बैरियर नहीं लगे, साथ में फरधान पे भी, उसका भी आपको व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहले आप लोग गोला में ही जो लखीमपुर रोड पर क्रॉसिंग बनी उसका थोड़ा सा व्यू देख लीजिए और फिर उसके बाद फरधान की रेलवे क्रॉसिंग का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, फिर वापस यहीं पे आते हैं। और बस ये देखिए लखीमपुर की तरफ से रूट आ रहा है फरधान क्रॉसिंग। और ये फरधान रेलवे स्टेशन की तरफ रूट जा रहा है। ये देखिए लखीमपुर की तरफ से रूट आ रहा है गोला गोकरनाथ में, देख सकते हैं आप। थोड़ी बहुत बजली गिट्टी डाली गई है। ये कि गोला की तरफ रूट जा रहा है गोला रेलवे स्टेशन। पिछले दिनों यहाँ मालगाड़ी अभी गिट्टी डाल के गई है। दोस्तों, चलिए आपको थोड़ा सा स्टेशन के बाहर का व्यू दिखाते हैं जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर टीन शेड के नीचे लगेंगे। देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे पत्थर आ गए हैं डालने के लिए, बिछाने के लिए, फर्श बनाने के लिए। और ये देखिए बाहर का नजारा। सामने बस अड्डा, चलते हैं वापस क्रॉसिंग की तरफ। इधर से देखिएगा दोस्तों, लखीमपुर की तरफ रूट जा रहा है और कैंची देखिए किस तरह से बनी है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहा है ट्रैक, कट गया बाएं साइड में। और ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा एकदम मेन ट्रैक। और जो ये किनारे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3। और थोड़ा सा आगे से ले जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से सांप की तरह एक तरह से कैंची बनी हुई है। थोड़ा और आगे से व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए किस तरह से ये सांप की जिस तरह से चलता है मुड़ी हुई आगे का ट्रैक, देखिए किस तरह से लहराते हुए मुड़ा है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जिस पर मैं चल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 3, और जो साइड में कैंची बनी हुई है दाएं साइड के लिए, ये माल गोदाम के लिए बनी हुई है। माल गोदाम जिधर बना हुआ उधर के लिए ट्रैक ये जा रहा है, देख सकते हैं। ट्रैक में देख सकते हैं दोस्तों,
क्लिप्स नहीं लगी हुई है अभी, जलेबी कहीं कहीं पे, ये एक दिख रही है। और मेन लाइन के ट्रैक पे भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए सिग्नल के पोल्स लगे हुए हैं लेकिन एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई है। साथ में जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए केबल डाली जानी है वो भी अभी नहीं पड़ी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये देखिए कि मेन ट्रैक पे मैं आ गया हूँ, ट्रैक फोन नंबर 2 का ये ट्रैक तैयार है, इसमें क्लिप्स भी लगी हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गिट्टी जो है, अभी हाल ही में मालगाड़ी यहाँ पे गिट्टी डाल के गई है। और प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है, ट्रैक नंबर 1, इस पर भी गिट्टी नहीं पड़ी है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो काम होगा वो मेन ट्रैक पे ही गिट्टी डालने का काम होगा, बाकी जो साइड के जो ट्रैक्स होंगे उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली गिट्टी डालेगी। और इस बार जो मालगाड़ी ने शुरुआत की है वो गोला से गिट्टी डालने की शुरुआत की है, क्योंकि बीच में अभी रजागंज में कहीं पर गिट्टी कहीं कहीं पर नहीं पड़ी है, कुछ जगह छूटे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे इंजन बदलने की समस्या थी। इस वजह से शुरुआत इधर से की गई कि पहले गोला रेलवे स्टेशन पे आए, फिर इंजन बदला, फिर इधर से गिट्टी डालते हुए उधर को गए राजागंज की तरफ। तो ये देखिए ट्रैक के बीच में गिट्टी नहीं पड़ी हुई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिट्टी डाल दी गई है, पाटना बाकी है। और ये देखिए सामने दीवार भी उठा दी गई है, पिछली बार जब मैं आया था तो दीवार नहीं बनी थी और 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। देख सकते हैं दोस्तों आप, हाई लेवल के प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। चलिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3, ट्रैक नंबर 4 माल गोदाम के लिए, और ये कि फर्श बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी बजड़ी और मोरंग और मसाला डाला जा रहा है मजबूती के लिए, शुरुआत हो गई है। ये देखिए नई चौकी की बिल्डिंग, यहाँ पे देखिएगा समतल करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से काम चलेगा जैसे वो प्लेटफॉर्म के शुरुआत में चल रहा है, और काम में थोड़ी सी तेजी है पिछले महीने के मुकाबले। उस समय मजदूर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़े थे लेकिन इस समय यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी फर्श बनाने का काम नहीं शुरू हुआ है, 2 या 3 पर ही चल रहा है। आपको 1 नंबर पे भी थोड़ा सा दिखाएंगे। फिलहाल इस साइड में तो इस साइड में अभी फर्श बनाने का काम नहीं शुरू हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भी फर्श बना ली गई है और किनारे के लिए स्लीपर भी बना लिए गए हैं चौड़े, टंकी के लिए बेस भी बना लिया गया है। देखिए फर्श वहाँ से बनाई गई है और अभी ये बीच का हिस्सा बाकी है आगे तक, जहाँ तक वो फुट ओवर ब्रिज है FOB। चलिए आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं। एंगल भी अभी पिछली बार जैसे यहाँ पड़े थे पिछले महीने ठीक उसी तरह पड़े हैं, कोई भी अभी काम में प्रगति नहीं हुई है टीन शेड को लेकर। ये देखिए नई बिल्डिंग जो बन रही है कंट्रोल पैनल रूम के लिए, सब कुछ यहीं से ऑपरेट होगा। देखिए दोस्तों एमरे के माल गोदाम के लिए जो स्पेस है उस पर भी अभी बहुत काम होना बाकी है, गिट्टी वगैरह बची हुई है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और इसको भी थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाएगा हल्का सा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 दोस्तों, फुट ओवर ब्रिज को देखिए जैसा पिछले महीने था वो भी इस समय भी बिल्कुल वैसा ही है, और केवल ऊपर जो बीच में जो सांख थी वहाँ पे पत्थर डाले गए हैं और ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। अभी आपको थोड़ा सा और आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से फिर से फर्श बनना शुरू हो गई है और आगे तक फर्श नहीं बनी हुई है, बीच बीच में कहीं बनी है कहीं नहीं। और लाइट के लिए बेस भी बनाए गए हैं खंबे लगाने के लिए। दोस्तों ये देखिए बीच में पत्थर डाले गए हैं, ये तरक्की है।
और टीन शेड भी मेरे ख्याल से डाल दिया गया है। धीमे काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे शुरुआत में जिस तरह से काम हो रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि और तेज़ी से काम होने की संभावना है, क्योंकि लखीमपुर तक तो CRS हो गया है और वहाँ पे भी 10% के करीब में ही काम बचा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ भी काम जल्दी से पूरा करके फिर पूरा अमला लखीमपुर से मैलानी के बीच में लग जाएगा। और ये देखिए लाइट के लिए बेस बने हुए हैं जो खंभे लगाए जाएंगे, और ये पूरी फर्श आगे पूरे एक सिरे तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 की ओवरब्रिज से कंप्लीट हो गई है आखिर तक। इलेक्ट्रिक पोल भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं पिछली बार भी ये लगे हुए थे। देखिए दोस्तों मालगाड़ी के रैक खड़े करने के लिए कितना लंबा बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म, एक तरह से मान के चलिए लगभग 800 मीटर के करीब में, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर है। अभी आगे से और दिखाता हूँ। और ये बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की चीनी मिल गोला की। देखिए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर मैं मैलानी की साइड में खड़ा हूँ, और ये कैंची बनी हुई है, सिग्नल पोल भी लगा हुआ है। और ये बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की शुगर मिल, आगे से और दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों कैंची बनी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने के लिए, और आगे से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए, और बीच में मेन ट्रैक। देखिए दोस्तों बेस, और मेरे ख्याल से 800-900 मीटर लंबा है अंदाजे से, किलोमीटर भी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन किलोमीटर नहीं है दोस्तों, 800 मीटर के करीब में है जो माल गोदाम के लिए बनाया जा रहा है बेस पूरा एक तरह से। और ये मैलानी की तरफ रूट जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी पहले से ही मालगाड़ी के लिए, माल गोदाम के लिए ट्रैक, मतलब कि माल गोदाम के साइड के लिए ट्रैक को अलग कर दिया गया। ये कैंची बनी है, आप देख सकते हो सामने बैलास का ढेर लगा हुआ है। और ये देखिए ये यहाँ तक की मालगाड़ी आसानी से खड़ी हो सकती है लगभग 800 मीटर के करीब। और ये शुगर मूल, देखा दोस्तों काफ़ी आगे तक मैं आपको ले आया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया, और ये एक साइड है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये फर्श बनी हुई है आधे पार्ट्स में, कुल मिलाकर ओवरब्रिज तक, उसके बाद का हिस्सा भी छूटा हुआ है, दिखाते हैं आपको चल के। ये देखिए दोस्तों ये ओवरब्रिज का इतना शुरुआती हिस्सा बनाया गया है, आगे का नहीं बना है। और ये देखिए इसके ऊपर भी अभी मसाला डाला जाएगा सब, कंक्रीट वगैरह। और आगे दिखाता हूँ, देखिए वहाँ तक कि आपको दिख रहा होगा लाल बिल्डिंग के पहले तक, वहाँ तक फर्श बनी हुई नज़र आ रही है, पोल रखे हुए हैं लाइट के लिए। तो दोस्तों अभी पिछले हफ्ते किसी न्यूज़पेपर में निकला था कि सीतापुर से मैलानी तक जो ट्रैक का काम है वो 95% हो गया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से ट्रैक का काम 95% हो गया है, हालांकि अभी मैं मैलानी नहीं गया हूँ, पता नहीं जो मैलानी में मीटर गेज का ट्रैक था वो उखाड़ा गया है नहीं गया है, और वहाँ पहुँच कर ही ये पता चलेगा कि वो ट्रैक उखाड़ा गया है नहीं उखाड़ा गया है। मेरे हिसाब से तो ट्रैक का जो भी काम है वो 70% ही हुआ है, डालने का साथ में गिट्टी वगैरह, पत्थर, बैलास्ट और स्लीपर वगैरह पूरा स्टेशन को मिला के वो 70% ही हुआ है, और हो सकता है उनके हिसाब से 95% हो गया हो। तो दोस्तों ये था गोला गोकर नार्थ से आज तक का अपडेट, ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है मैंने आपको पूरा एक बार फिर से, और जितनी मुझे जानकारी भी प्राप्त हुई वो सब मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये गोला गोकर नाथ से अपडेट पसंद आया होगा। फ्यूचर में मैं फिर से एक गोला गोकर नाथ का अपडेट लेकर आऊँगा, क्योंकि मान के चलिए लखीमपुर में अगर अगले महीने से ट्रेन चलने लगती है तो फिर पूरा का पूरा फोकस
लखीमपुर के बाद जो गोला मैलानी है उसी पर ही रहेगा। तो दोस्तों अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।